हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, नाइन्थ का में भी एग्जाम में आता था, ये टेंथ में भी आप लोग का एग्जाम में आएगा। और ये टेंथ क्या, ये हर जब भी कंप्यूटर पढ़ेंगे, जब तक आप लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह आपको मिलेगा, चाहे आप ट्वेल्व करो, चाहे ग्रेजुएशन करो, चाहे बीटेक एमटेक कुछ भी करो। बस यही है कि आप लोगों को डेफिनेशन ऊपर क्लास में नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों को प्रोग्राम इसका लॉजिक यूज करना होता है। सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों को तो इसका डेफिनेशन भी याद करना है, क्योंकि आप टेंथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भी। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। क्या मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ ऑल ऑफ इट्स कंडीशंस आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू होगा, इसका आउटपुट ट्रू आएगा अगर सब इसके जितने भी कंडीशन है सब ट्रू हुए। मतलब अगर मैं पांच कंडीशन यूज कर रहा हूँ, पांचों सही हुआ तब ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, मतलब फॉल्स हो गया, तो वो फॉल्स होगा। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज ग्रेटर देन सिक्स। हाँ, एट जो है सिक्स से बड़ा है, मुझे अब आगे भी देखना है। टेन इज ग्रेटर देन टू। हाँ, टेन जो है टू से भी बड़ा है। दो कंडीशन था, दोनों सही हुआ, दोनों सही है इसलिए ट्रू। आगे मैं देखता हूँ, टेन इज ग्रेटर देन सिक्स। हाँ, ये तो सही है। आगे देखता हूँ, टेन इज ग्रेटर देन सिक्सटी। नहीं, ये तो गलत हो गया। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, सब कंडीशन ट्रू होगा तब ट्रू होगा, एक भी गलत हुआ तो ये गलत, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। यहां देखता हूं, 10 इज ग्रेटर देन 20, अरे ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया कंडीशन तो आगे क्यों देखूं, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो आंसर फॉल्स होगा, सब ट्रू होने पर ही ये ट्रू होगा। अब इसको अगर आप लोग को याद नहीं होता डेफिनेशन, तो मैं इसके शॉर्टकट ट्रिक से भी समझा सकता हूँ। तो चलिए इसे शॉर्टकट ट्रिक से समझते हैं हम लोग। उसके लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है, इस टेबल से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए टेबल के थ्रू हम लोग उस चीज को देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस टेबल में दो बार फॉल्स लिखा, यहाँ भी मान लेते पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसमें एग्जांपल देके समझा रहा था, 10 इज ग्रेटर देन 2 इस टाइप का कोई कंडीशन दे रहा था, तो मान लेते 10 इज ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर 20 इज ग्रेटर देन 30, यहाँ भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स। तो आप देखेंगे एक ही बार सिर्फ ट्रू इसमें आ रहा है, कब, जब दोनों ट्रू है, क्योंकि मैंने बताया था अगर सब ट्रू हुआ तभी ट्रू होगा। ये यहाँ दो कंडीशन था, दोनों ट्रू हुआ तब ट्रू, एक भी गलत, देखिए यहाँ एक भी गलत है तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। यहाँ भी एक भी फॉल्स मिल गया ना, यहाँ एक फॉल्स हुआ ना एक गलत, इसका भी आंसर फॉल्स। यहाँ से दोनों फॉल्स है, यहाँ फॉल्स, इसलिए इसका भी आंसर क्या हुआ, फॉल्स। सिर्फ एक ही बार ट्रू हुआ, ठीक है। अगर इसको और शॉर्टकट तरीका समझना है तो सिंपल आपको ये समझना है कि आपको एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, आप सिंपल खुद सोचिए, एक्चुअली में देखा जाए ट्रू का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वन, याद रखिएगा, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो आप लोग जस्ट क्या कीजिए, एंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। जीरो और जीरो का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, जीरो यानी फॉल्स। जीरो और वन को मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, वन। ट्रू मतलब क्या होता है, वन। वन और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, और दोनों में वन है, मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा यानी ट्रू। तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में देखते हैं हम लोग, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है। जस्ट वो लॉजिकल एंड के ऑपोजिट होता है। मैंने क्या बताया था, लॉजिकल एंड में सब ट्रू तब ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, इसमें उल्टा है, ये तभी फॉल्स होगा जब सब फॉल्स होगा। मतलब अगर एक भी अगर ट्रू मिल गया तो ये ट्रू होगा, ध्यान समझिएगा। उसमें क्या था, सबको ट्रू होना होगा तब ट्रू होगा। अगर मान लेते हैं वहां पर 10 कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप कंडीशन की बात किए, पहला बोले ट्रू 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 ट्रू, एक भी फॉल्स बोल दिए तो आपको आगे देखने जो थी नहीं, वो फॉल्स हो गया। इसमें क्या है, आप एक भी ट्रू बोल दिए, ट्रू बोल दी, आपको आगे जानना ही नहीं है, आंसर आपका ट्रू ही आएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू। तो वही लिखा है मैंने, इट वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं, इट इवेलुएट्स टू फॉल्स, कि इसमें मैंने क्या बोला है कि फॉल्स तब आएगा जब इसका सारे कंडीशन फॉल्स हो गए, नहीं तो फिर ट्रू होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 6, हाँ ये तो ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 2, दोनों ट्रू हो गया तो ट्रू है। यहाँ पर क्या देखे, 10 इज ग्रेटर देन 6, ये ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 16, ये फॉल्स है, तो कोई बात नहीं,
पहला तो ट्रू हो ही चुका था, आगे तो मुझे दिखना ही नहीं था, एक भी ट्रू मिला तो ट्रू। ट्रेंस ग्रेटर देन 20, ओह फॉल्स हो गया, कोई बात नहीं अभी भी चांस है, आगे देख लेते हैं। ओह अरे यहाँ भी गलत हो गया, ट्रेंस ग्रेटर देन 30, दोनों फॉल्स हुआ इसीलिए फॉल्स। अगर एक भी ट्रू होता जैसे यहाँ पर क्या था, ये ट्रू था तो ट्रू आ गया, एक भी बस ट्रू, एक आपको बस ट्रू ढूंढना है लॉजिकल ओर में तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, और वहां पर लॉजिकल एंड में एक भी फॉल्स ढूंढना है, एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी को भी मैं अब आप लोग को इसको चार्ट से समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला इसका डेफिनेशन में, ये तभी फॉल्स होगा जब इसके सारे कंडीशन फॉल्स होंगे, अगर एक भी ट्रू मिल गया ये तो ये ट्रू है। अब सिंपल देखिए, अरे यहाँ दोनों फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हुआ, यहाँ फॉल्स एक ट्रू, अच्छा एक ट्रू तो मिल ही गया तो ये ट्रू, अरे यहाँ भी ट्रू मिल गया हम यहाँ क्यों देखने जाए, यहाँ ट्रू हो गया तो ये ट्रू होगा, अरे यहाँ भी ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू था, एक भी ट्रू जहां मिला कहाँ का एक भी ट्रू है, यहाँ तो दोनों ट्रू है तो ट्रू तो होना ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी एक ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और यहाँ भी एक ट्रू तो ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, मैंने लॉजिकल एंड में क्या बोला था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लॉजिकल ओवर में आप लोग को प्लस समझना है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग जीरो और जीरो को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, इसलिए जीरो। जीरो और वन को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन, इसलिए आंसर वन आया। ट्रू का मतलब वन होता है, वन और जीरो को ऐड करोगे तो क्या होगा, वन, और वन को ऐड करोगे तो याद रखना है हम लोग जीरो और वन सिर्फ आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो और वन, एक ही डिजिट में बताना है, तो आप लोग यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि टू बोल देंगे, टू नहीं कह सकते आप, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर क्या है आपको सिर्फ एक बिट में दिखाना है आंसर को, तो वन 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 ही होगा वो, टू नहीं सोचना है आपको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ एक बिट में आंसर दिखाना है, इसलिए समझाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, तो यहाँ पर इसका आंसर वन होगा। इस तरीके से आप लोगों को लॉजिकल और लॉजिकल एंड समझ में आ गया होगा, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।